हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मल चार्ज को। फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं? किसी भी एटम पे चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं अगर उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वली शेयर्ड हैं। इफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इक्वली तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज, यानी कि हर एक एटम पे चार्ज, राइट? अब इसको निकालते कैसे हैं, हम सबसे पहले ना लुईस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं और उस लुईस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो शेयर्ड हैं और किस तरह से वो अनशेयर्ड है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब है किस तरह से वो लोन पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, शेयर्ड मींस किस तरह से वो और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट? तो इससे हमें पता लगता है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद। और जिस भी लुईस स्ट्रक्चर में मिनिमम और लीस्ट जिसका फॉर्मल चार्ज होगा ना, उस स्ट्रक्चर की लोएस्ट एनर्जी होगी। तो अगर हमारे पास चार लुईस स्ट्रक्चर दियो और कहा हो इनमें से सबसे लीस्ट एनर्जी की कौन सी लुईस स्ट्रक्चर है, तो हमें सब में फॉर्मल चार्ज निकालना है और जिसमें सबसे कम फॉर्मल चार्ज आएगा वो उसकी लोएस्ट एनर्जी की स्ट्रक्चर होगी, राइट? तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला चार्ज। तो हर एक एटम पे फॉर्मूला चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं कि उस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मींस उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, पेयर्स की बात नहीं हो रही, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास थायोसल्फेट आयन है। थायोसल्फेट मींस SO3 टू नेगेटिव आयन है। तो सबसे पहले हमें इसे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, देखो सल्फर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर होगा सेंट्रल एटम और इस तरह से कुछ इसकी लुईस स्ट्रक्चर होगी। लुईस स्ट्रक्चर में हमें इसमें देखना है कितने नंबर ऑफ अनशेयर्ड और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सल्फर में टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास भी टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इस सल्फर की बात करें जो टर्मिनल सल्फर है, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो शेयर हुए हुए हैं और इसमें हमारे पास इस तरह से दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ये जो मिडिल वाला सल्फर है, सेंट्रल सल्फर है, इसके 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड है तो इसके पास दो लोन पेयर्स होंगे। इस ओ नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, एक एक्स्ट्रा है क्योंकि उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया है तो इसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे भी 3 लोन पेयर्स होंगे। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और अब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे इसके हर एक एटम के कोरस्पॉन्डिंग। अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाहे सल्फर पे जो कि टर्मिनल है, मींस अगर मैं इस सल्फर की बात कर रही हूं तो इसका फॉर्मूला हमने अभी देखे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर में टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस सल्फर पे जो टर्मिनल सल्फर है इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अभी दो बॉन्ड्स बना रहा है तो इसमें टोटल 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। माइनस अनशेयर्ड मींस लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 - 6 दैट इज 0, यानी कि इस टर्मिनल सल्फर पे फॉर्मल चार्ज है 0, राइट? हमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है तो हमें जैसे सपोज दो बॉन्ड्स बना रहे कोई भी एटम तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो लोन पेयर्स हैं तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल वाले सल्फर पे। सेंटर पे जो सल्फर है इस पे क्या फॉर्मल चार्ज है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, इस पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये सेंटर वाला सल्फर जो है वो 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड्स बना रहा है, मींस ये 12 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। माइनस इस पे 0 लोन पेयर है क्योंकि कोई भी इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे भी हमारे पास 0 फॉर्मल चार्ज आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन।
राइट, जो कि डबल बॉन्डेड है, तो इसमें ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये दो बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, क्योंकि हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक लोन पेयर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट ना। हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसमें 2 लोन पेयर्स है, मीन्स इसके पास 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास 0 फॉर्मल चार्ज आएगा। अब लास्ट हमारे पास बचता है ये ओ नेगेटिव, तो इसको हम देखते हैं कि ओ नेगेटिव पे कितना फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ओ नेगेटिव विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास 3 लोन पेयर्स है मींस इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 1 माइनस 6 विच विल कम आउट टू बी माइनस 1, यानी कि ओ नेगेटिव पे इन दोनों पे एक एक फॉर्मल चार्ज है, माइनस वन फॉर्मल चार्ज है, राइट। सो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी एटम पे ऑफ अ लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिखने हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात नहीं करनी है, राइट। और एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना है। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक फॉर्मल चार्ज। आई होप ये वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइज लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।